कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉडुलस। अगर एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे बनता है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो इसी टॉपिक से बने, कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉडुलस। ये इसको हम इंपॉर्टेंट दे सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी एंड वर्क मॉडुलस। ओके, तो कंप्रेसिबिलिटी, सबसे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी वर्ड को ही समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कंप्रेस करना, कंप्रेस। अगर कोई चीज़ कंप्रेस हो रही है तो इसका मतलब उसमें कंप्रेसिबिलिटी है। ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं, इसको ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ दबाया जा रहा है और नीचे कोई फ्लूड भरा हुआ है। तो जब इसको नीचे की तरफ दबाया जा रहा है इसको, तो इसमें कई सारे चेंजेस आएंगे। क्या? एक तो पहले मान लीजिए इधर पे था फ्लूड, फिर इधर पे आ गया, तो एक तो इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, जो हम लिख दे रहे डीवी। ओके, पहले मान लो वी था वॉल्यूम इसका, फिर इसमें चेंज आ गया, डीवी हो गया। ओके, दूसरा इस पर हमने कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया होगा। ओके, क्लियर है। जब वॉल्यूम चेंज होता है, जो इतना सारा फ्लूड पहले इतने बड़े एरिया में था, अब ये यहाँ पर आ गया, तो मतलब उतना ही फ्लूड अब सिर्फ इतने एरिया में आ गया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में भी चेंज हो गया होगा ना, तो इसलिए प्रेशर में चेंज हम लिखे ले रहे डीवी। ओके, दो टर्म समझ में आए, ठीक है। तो वर्क मॉडुलस जहाँ पढ़ रहे थे सॉम में, तो हमने वर्क मॉडुलस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्क मॉडुलस पढ़ा था हमने, होता है स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। इस सॉम का टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब फोर्स या लोड अपॉन एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है, वो होता है वॉल्यूम में पार्शियली कितना चेंज हुआ, इंटू अपॉन वी। अब इसको ऊपर हम पहुंचा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू डी वी। ये होता था वर्क मॉडुलस, सेम यहाँ पर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बात थी जब सॉलिड सरफेस पे कोई दूसरी सरफेस फिसलती थी, तब ये बनता था वर्क मॉडुलस, और यहाँ पे हम फोर्स अपॉन ए, तब स्ट्रेस आती थी। जब सॉलिड कंप्रेस होता ना, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है। तो अब पहले फोर्स अपॉन ए को हम लोड कहते थे सॉलिड के केस में, लेकिन लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन ए को प्रेशर लिखते हैं। तो चेंज इन प्रेशर, तो वर्क मॉडुलस फॉर लिक्विड हो जाएगा, वर्क मॉडुलस लिक्विड के केस में हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया को हम लिख ले रहे हैं प्रेशर डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस का साइन नहीं हो रहा है, क्यों? ये माइनस का साइन डिनोट करता है कि वॉल्यूम घटा है, क्योंकि वॉल्यूम घटा होगा तभी डी पी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, वॉल्यूम का घटेगा तभी छोटे एरिया में ज़्यादा लिक्विड आएगा, तभी उसका प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम घट रहा होगा, तो अगर वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा होगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उसमें भी हम देखते हैं कि पी और वी आपस में इस तरीके से प्रोपोर्शनल साइन में है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाता है, वॉल्यूम घट जाता है तो प्रेशर घट जाता है। यहाँ हमने डी पी पॉजिटिव लिया है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, इसीलिए हमें डी वी को नेगेटिव लेना पड़ा कि हमारा वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का सीधी यही फॉर्मूला आ जाता है। अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको डेफिनेशन के, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ पार्शियली चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, या सिंपल टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन पार्शियली चेंज इन वॉल्यूम। वो जस्ट सिंपल है, वो डेफिनेशन तो अपने हाथ की होती है, कैसे भी डेफिनेशन बना लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेफिनेशन से नहीं, आपका बस जो कहने का मतलब है और जो फॉर्मूला है वो सही होना चाहिए। तो वर्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं, तो के लिख सकते हैं के इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वी अपॉन डी और माइनस, ये हो गया हमारे वर्क मॉडुलस का फॉर्मूला। ओके, अब बल्क मॉडुलस से हम बनाएंगे कंप्रेसिबिलिटी। चलिए, कंप्रेसिबिलिटी जो है वर्क मॉडुलस का बस जस्ट उल्टा है। कंप्रेसिबिलिटी अच्छा, एक टर्म में अगर इसको डिफाइन भी करना चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है हाउ मच अ फ्लूड कैन बी कंप्रेस, मतलब एक फ्लूड को कितने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बराबर होती है वर्क मॉडुलस। और पहले हम देखे हैं वर्क मॉडुलस जो होता है, वर्क मॉडुलस के इजकल टू डी पी अपॉन माइनस का डी वी अपॉन वी, ये होता है वर्क मॉडुलस।
तो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को हम सी से नोट करते हैं, सी इज इक्वल टू वन अपॉन के लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं वन अपॉन डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन पी। ओके होगा सीधी सी। आपको मेनली एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी फ्लूड का वॉल्यूम मॉडुलस 4 है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी 1/4, और अगर किसी की कंप्रेसिबिलिटी 2 है तो उसका वॉल्यूम मॉडुलस हो जाएगा 1/2। ओके ठीक है।